तो वर्ल्ड कप 2023 से पहले क्यों कप्तान रोहित शर्मा ने छोड़ी भारत के लिए ओडीआई की कप्तानी, जानेंगे इस वीडियो के अंदर क्या है वो वजह। लेकिन उससे पहले अगर आपने क्रिकेट के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से जाकर के कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को भी कर दीजिए लाइक। और आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। रोहित शर्मा को हिंदुस्तान की वर्ल्ड कप से पहले, कम से कम वर्ल्ड कप से पहले तो कप्तानी छोड़नी चाहिए थी या नहीं, आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 2022 से जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी ऑल फॉर्मेट से, तो रोहित शर्मा को टीम इंडिया का ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाया गया था। लेकिन रोहित शर्मा जिस दिन से कप्तान बने हैं, ना तो इन्होंने कोई भी आईसीसी इवेंट जिताया हिंदुस्तान के लिए, और WTC फाइनल में लगातार दोनों बार फाइनल में पहुँच कर हार मिली, एशिया कप में भारत क्वालिफाई नहीं कर पाती, वर्ल्ड कप T20 में भी भारत को हार का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही वो कारण रहे हैं जिसके चलते भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI रोहित शर्मा से नाखुश है। इसी के चलते BCCI ने रोहित शर्मा को सलाह दी कि आप खुद ही कप्तानी छोड़ दें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो हम आपको मजबूरन हटा देंगे।